इंटरनेशनल लेवल पर जो है अपने आप को साबित कर चुके देश के पहलवानों को आज लगातार पांचवा दिन हो गया है जो वो यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन दे रहे हैं। बृजभूषण शरण के खिलाफ जो है ये कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि यौन शोषण, मानसिक शोषण, हर तरीके के आरोप जो है बृजभूषण शरण पर जो है लगाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान अब किसानों का, खापों का, हर किसी का, दलों का जो है प्रदर्शन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है पहलवानों को। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से काफी कुछ जो है कयास लगाया जा रहा है, काफी कुछ उम्मीदें जो है लगाई जा रही है कि किसानों के लिए जो है जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि पहलवानों के लिए जो है कई तरह से कोई डिसीजन सामने आ सकता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट से न्याय का कोई भी, कार्रवाई का कोई भी डिसीजन जो है वो सामने नहीं आता है तो फिर आगे की रणनीति ये होगी कि शायद दिल्ली बंद कर दी जाएगी। आइए बात करते हैं यहाँ पर किसान नेताओं से और बात करते हैं खाप प्रधानों से। पहलवानों को किसानों का समर्थन मिल रहा है, खापों का समर्थन मिल रहा है, इसी दौरान हमारे साथ खाप प्रधान मौजूद है और उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरह वो पहलवानों को समर्थन देने यहाँ पहुंचे। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप और कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत। तो आज हम जो ये पहलवान बेटियां बेटे जो ये बैठे हैं, एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब एक तरफ तो नारे सारे झूठे जुमले शुरू से स्टार्ट तक, वो धोखे में 2012-13 में झूठ बोल के ये लोग आगे, और उस झूठ के चक्कर में हम आगे बकाई मांगे, और जल्दी ये एक एक करके ये लोकतंत्र को जनक समाप्त करने के चक्कर में बढ़ रहे हैं। इन्होंने तो एक तंत्र शासन से ये कोरिया चाइना का शासन ये ले रहे हैं, और हम बहुत जल्दी इस चीज से पेंडा छुड़ाने का जो चक्कर चलेगा इनका, जितनी ये तेज बने हैं इनका भी इलाज करेंगे और जल्दी होगा। तो पहलवानों से मुकाबला होया है, किसान तो बेचारे फिर भी समझ गए, बुजुर्ग समझ गए, पर ये पहलवानों से मुकाबला पड़ा है। अब इनको तो आगे आने वाले इलेक्शन में गाँव में बढ़ने भी नहीं देंगे, घुसने भी नहीं देंगे। जो हमारी बहन बेटियों पर हाथ डाले वो कितना गंदी हरकत, कितना घनौना काम करे उसने, और फिर ये हमारी बेटी आम बेटियां नहीं है, ये तो विश्व में प्रथम ला रहा है वेद है। इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार है, ऐसी वारदात करना है, इस औहदे पर बैठ कर सो बनी है नहीं, वो तो देश के लिए कलंक है। पहलवानों के प्रदर्शन जो है यहाँ पर लगातार आज पांचवें दिन भी जारी, आप देख रहे हैं किस तरह से जो है किसान यहाँ पर पहुंचे हैं समर्थन देने, किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, खापों का जो है समर्थन मिलता हुआ किसानों को, पहलवानों को नजर आ रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस तरह कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो है नेता, उन्होंने भी समर्थन दिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी समर्थन मिला है किसानों को, प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके जो है किसान इनको पहलवानों को समर्थन देते हुए नजर आए हैं। साथ ही कांग्रेस, आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष डिसूजा का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, आप सांसद सुशील गुप्ता ने भी अपना समर्थन जो है वो दिया है, और यहाँ आकर लगातार किसान नेता भी अपना समर्थन देते हुए पहलवानों को नजर आ रहे हैं। साथ ही अभी तक कोई भी बीजेपी की ओर से जो है कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी एक्शन जो है वहां से नहीं लिया गया और कोई भी समर्थन का जो बात है वो सामने नहीं आया, किसी भी नेता ने बीजेपी के अब तक जो है पहलवानों को समर्थन नहीं दिया है। देखिए जंतर मंतर पे देश के जाने माने चेहरे, खेल जगत के बड़े खिलाड़ी, देश के लिए पदक जीतने वाले जिनका बहुत बड़ा सम्मान देश में, मजबूर होकर दोबारा यहाँ बैठे हैं। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, इनकी सभी शिकायतों का निवारण होना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए। यौन उत्पीड़न का, महिला शोषण का अगर कोई आरोप लगाता है तुरंत FIR दर्ज होगी, ये कानून कहता है। ये स्पष्ट है कि कोई पुलिस का अफसर अधिकारी मना नहीं कर सकता, तुरंत FIR दर्ज होगी। हमें खिलाड़ी से मिलन तो क्या है, मामला के ऊपर है, हम तो आए हमें तो मिलन, देखेंगे क्या दिक्कत है, हम इनके गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या भाई, जो मंत्री है उन्होंने गलती करा क्यों मैडम, आप भाई गलती करा क्यों उसने, ब्रजभूषण ने उनने गलती करा क्यों, जो इस तरह की वहाँ हो रही बात की, और सब ब्रजभूषण इतना बड़ा होगा क्या, कम से कम जो इतनी उसके खिलाफ ही बच्चे बैठे, खिलाड़ी बैठे, तो कुछ ना कुछ गलती होगी, उस गलती को महसूस करें, गलती मानने, और आगे कोई ऐसा काम न करे जो इस तरह की
समाज में छवि खराब। सर कुछ दिनों पहले उनके एक बहुत ही भावुक होते हुए कविता गाते हुए वीडियो वायरल हुई है, आपको क्या कहना है? नहीं भाई हमने नहीं देखी वो वीडियो, हम तो काम में आदमी खेती बाड़ी का काम करे, तो जो इस तरह की नौबत है हम इसमें परेशान हो, हमारा दिल दुखी हो इस बात तक भाई इस तरह की नौबत क्यों आ रही। हमारे जो हमारे खिलाड़ी है, ये हमारी इस देश की शान है, इस देश के लिए स्वर्ण पदक रजत पदक ये जीत कर लिया, हमारा सेना गर्व से चौड़ा हो जाए, इस तरह की बात हो तो अरे एक ये हो रहा है धरना दे रहे हैं, तो इस उसमें एक बड़ी महसूस हो बात, ऐसा होना नहीं चाहता। ये भी हमारे समाज में है, ग्रामीण क्षेत्र पे है, ये भी जो हमारी बेटियां है ये ग्रामीण क्षेत्र का, अगर यही बात होगी तो कौन आगे कौन बढ़ेगा, क्या देश के लिए यही है बात की थी, धन नहीं देंगे कितना वो हो जी अच्छा हो रहे भाई 40-50 पदक जीत लिया और फिर इस तरह के लोग बता तो खिलाड़ियों का मनोबल टूट जा। देखिए जो है ना महिलाएं जो है पहले भी पहलवान बैठी थी उनको सांत्वना दी गई लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है और आज भी पुलिस इन महिलाओं को पीटते हुए नोचते हुए देखिए जूते वगैरह कहाँ है हमारे। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीदें हैं, बस एक सुप्रीम कोर्ट ही है जिसपे हमें उम्मीद है। इस सरकार को शर्म आना चाहिए कि हम महिलाएं आवाज उठा रही हैं, हम महिलाओं को ऐसे घसीटते हुए नेल्स और ना जाने कैसे कैसे घसीट के इन्होंने डिटेन किया और डिटेन करके यहाँ पे लाके छोड़ दिया है। पहलवानों का प्रदर्शन अभी जारी है, आपको बता दें कई राजनीतिक नेताओं का जो है समर्थन पहलवानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी हर कोई जो है सामने बढ़ चढ़कर यहाँ पर समर्थन देने पहुंचा है, साथ ही आपको बता दें किसान मोर्चा का समर्थन मिल रहा है, साथ ही खापों का समर्थन जो है वो पहलवानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हर किसी की निगाह जो है वो कल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई जो होनी यानी कल 28 अप्रैल को सुनवाई होनी है, हर किसी की निगाह वहीं पर टिकी हुई है, हर कोई जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है और अगर कोई सही निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं लिया जाता या नहीं सामने आता तो ये भी धमकियां दी जा रही है कि दिल्ली बंद किया जाएगा, देश बंद करने की भी धमकियां जो है किसान मोर्चा की ओर से दी जा रही है। 3 साउथ ब्लॉक डिजिटल।